हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सेलिन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या हम इस टाइम जून में काउंटर बेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में यही जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जब भी आप बेटिंग टिकट से ट्रेन में सफर करेंगे तो बेटिंग टिकट आप लोग दो तरह से बुक करा सकते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन। यदि आपने ऑनलाइन वेटिंग टिकट बुक करा रखे हैं और चार्ट प्रीपेड हो जाता है और ये टिकट कंफर्म नहीं होता है तो इस टिकट से आप लोग ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। वहीं आप लोग यदि काउंटर से टिकट बुक करा रखे हैं, यदि ये टिकट वेटिंग लिस्ट में है और चार्ट प्रीपेड हो जाता है, चार्ट प्रीपेड होने के बाद ये टिकट कन्फर्म हो जाता है तो आप कन्फर्म वेटिंग टिकट से भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। लेकिन यदि काउंटर से वेटिंग टिकट ले रखे हैं, यदि चार्ट प्रीपेड भी हो जाता है और ये टिकट कंफर्म नहीं होता है तो क्या हम इस टिकट से ट्रेन में सफर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। इससे पहले 28 फरवरी को रेलवे की तरफ से एक न्यूज अपडेट किया गया था जिसमें बताया गया था आप लोग काउंटर टिकट से भी सफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्लियर ये नहीं बताया गया था आप लोग किस डेट से ट्रेन में सफर कर सकते हैं। और आप लोगों ने काफी सारे आर्टिकल भी पढ़े होंगे और काफी सारे यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन उसमें क्लियर ही नहीं बताया गया था आप किस डेट से काउंटर वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। आपको सिंपल बता देता हूँ, इन दिनों तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहा है और जिस ट्रेन में आप लोग तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं उस ट्रेन में ऑलरेडी पहले से ही जनरल में 400-500 वेटिंग है। यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो रहे थे हम वेटिंग टिकट से ट्रेन में सफर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप लोगों के पास वेटिंग टिकट है यानी काउंटर से वेटिंग टिकट ले रखे हैं तो इन दिनों में आप लोग ट्रेन में इजीली तरीके से काउंटर वेटिंग टिकट लेकर आप लोग स्लीपर डब्बे में ट्रेन में सफर कर सकते हैं। आप लोगों को किसी भी प्रकार का परेशानी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय मैंने देखा हूँ काफी लोग ऐसे हैं जो काउंटर वेटिंग टिकट लेकर सफर कर रहे हैं। तो आप लोग यदि काउंटर से वेटिंग टिकट ले रखे हैं तो आप लोग इजीली तरीके से ट्रेन में सफर कर सकते हैं, वो भी स्लीपर डब्बे में। आज के वीडियो बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।